असल मुद्दे, पेपर लीक का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, उन सब से ध्यान हटाना है, इसीलिए ये ढिशुम ढिशुम करते रहो। हमने उत्तर प्रदेश में पहले जब ये अपनी सरकार में थे, 2 एयरपोर्ट्स थे फंक्शनल, हमने 10 बना दिया। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अगर ये सोचते हैं कि उसके साथ साथ हम माफिया को छोड़ दें तो हम छोड़ेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में जब ये थे वहां पर बिजली का जो था मेगावाट प्रोडक्शन वो 56,000 था, हमने 88,000 कर दिया। लेकिन हम इस पर बात करने के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था पर बात करेंगे। अभी प्लीज रुकिए, अभी प्लीज रुकिए। इसके अलावा अगर अपनी बीच में अभी रुकिए, इसके अलावा हम जीडीपी पर भी बात करेंगे, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी बात करेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग पर भी बात करेंगे, इसके अलावा हर एक चीज पर हम बात करेंगे। रही बात परीक्षा, रही बात परीक्षा की, 32,00,000 परीक्षार्थियों ने अभी परीक्षा दी है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल एकदम कोई भी नकल, कोई पेपर माफिया, कोई नहीं आ पाया। उनके क्षेत्र में राजस्थान में अभी एक परीक्षा हुई थी इनके समय में, वहां पर जो पेपर लीक वाला व्यक्ति था उसको सलमान खुर्शीद जो है बचाने पहुंच गए, उसका बताइए क्या किया जाए। पेपर लीक, आप ही के जो केंद्रीय मंत्री है वो लोग पेपर लीक वालों को बचा रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए ना। हमने तो करा दी परीक्षा बिल्कुल सही तरीके से, लेकिन आपको भी करानी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ये सोचते हैं कि हम इनके माफियाओं पर बात नहीं करेंगे तो माफ कीजिए अनुराग भदौरिया, आपका जो एक्सटेंडेड परिवार है ना, आपके जो अतीक अहमद मुख्तार अंसारी जैसे 84 लोग हैं ना, हम इनको बचेंगे नहीं, इनको नहीं बचेंगे। कितना भी दर्द होता रहे इनको नहीं बचेंगे। डेवलपमेंट की बात होगी, इसी प्लान पर तो योगी फिर से, इसी प्लान पर तो योगी फिर से जीत के आए ना, इसी प्लान पर वो जीत के आए ना। कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बना और लोग ये मानते थे कि समाजवादी, हम लोग भी थे जिस दौरान विधानसभा चुनाव हो रहे थे, लोग ये मानते थे कि समाजवादी पार्टी के दौरान जिस तरह की कानून व्यवस्था थी उसको योगी ने बहुत संभाला है, सुधारा। आप में से कितने लोग उत्तर प्रदेश के हैं? ठीक है, काफी लोग हैं मुझे लगता है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि कानून व्यवस्था योगी की राज में बेहतर हुई है पहले से? कितने लोग मानते हैं? जवाब दे लूं? हुई है, कह रहे हैं बहुत अच्छी। कितने लोग मानते हैं कि बहुत अच्छी हो गई है? अब बताइए, अब हार गई समाजवादी 2027। सवाल है उत्तर प्रदेश के अंदर में, उत्तर प्रदेश के, एक बार बोल लूं मैं, अगर लोगे तो जब जब ताली बजना बंद हो ना यार, फालतू डिबेट के टाइम मजाक कर रहे हो यार। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश, बच्चे कह रहे हैं, अरे वो आपने सर्वे कराया है, आपको मुबारक है, मुझे बोलने दीजिए। ओहो, हो गया सर्वे पर सवाल। अब मैं अपनी बात कह लूँ, मैंने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में जब से योगी सरकार आई है सबसे ज्यादा नकल माफिया पैदा हुए हैं, पर्चे लीक सबसे ज्यादा इसी समय हुए हैं, जो कमरों से लटकते थे सब भूल गए। सुन तो लीजिए, 63,000 महिला उत्पीड़न प्रत्येक साल इसी सरकार में हुआ है। सबसे ज्यादा इस सरकार के अंदर में अवैध निर्माण हुए हैं, सबसे ज्यादा रोडों के गड्ढे इसी सरकार में देखने को मिले हैं, और प्रभु राम के मंदिर में भी पानी टपका है। ये भ्रष्टाचार की सीमा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में। क्यों लगता है? मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं पूछ रही हूँ आपसे, मतलब देखिए छवि भी बहुत बड़ी चीज होती है ना, छवि के शिकार एक और खड़े हैं। इधर हो जाए, मैं जवाब दूं। हां तो आप ही से पूछ रहे हैं, इनको बहुत बोलने का शौक है, आप बीच में ना। मेरा सवाल पूछे, सवाल ये है कि इन बच्चों को ऐसा क्यों लगता है, फिर ये आंकड़े हैं, ये नंबर्स हैं, आप सब गिना रहे हैं, इन बच्चों को ऐसा क्यों लगता है कि कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी के दौरान से बहुत ज्यादा बेहतर? बच्चे समझ गए हैं कि यहाँ पे क्या बोलना है, वोट देते टाइम हमें 43 सीटें देते हैं, इनको 33 देते हैं, ये भी मान लीजिए आप, वोट हम ही देते हैं ये, तभी हम 43 सीट उत्तर प्रदेश के अंदर में जीते हैं, क्योंकि इनको पता है यही है जो युवाओं की बात करेंगे, रोजगार की, महंगाई की, शिक्षा की, किसानों की बात करने वाली समाजवादी पार्टी है। हमने लैपटॉप दिया, मेट्रो का सपना समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में दिखाया है, हमने यहाँ पे लैपटॉप लोगों को देख के एक्सप्रेस वे बनाए हैं, हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, हमने पुलिस सिस्टम मजबूत किया है। इन्होंने क्या किया, हमारा 100 डायल को 112 कर देंगे, बस इतना करेंगे, उसका नाम बदल देंगे या नंबर बदल देंगे, ये इनका काम है, नाम और नंबर बदलना इनका काम है, काम सिर्फ समाजवादी का। बोले 30 सेकंड के लिए कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए मैं तो एक बात कह रहा हूँ, भदौरिया साहब ने सीधा प्रश्न बच्चों पे ही लगा दिया कि ये इनका तो कुछ हो रहा है, वोट दिया मिलती है, समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाहते हैं। हो गया, अरे सीधी सी अंजना जी, सीधी बात है, 10 विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, समाजवादी जीत गई, उसे जीतने के लिए दोनों तरफ से बात हो रही है, और जो विपक्ष की क्या कर रहे हो, जो विपक्ष की भूमिका, तुम्हारी तुम्हें बोलने से बंद कर रहा हूँ, जो भूमिका होनी चाहिए, जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, जहाँ सरकार के काम में कमी है, जिन बिल में अमेंडमेंट होना है, किसानों को जो सुविधा चाहिए। अच्छा इधर सुनिए, इधर सुनिए, अरे कुछ आप सांसद जी, पूर्व सांसद जी, कुछ अंदर की बात बताइए। आप तो मायावती जी को छोड़ दिए, बीएसपी से आप सांसद थे, क्या हुआ? 10 सीट पर वो भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर रही है मायावती जी, अब आप
आ गए हैं आरएलडी में, लेकिन उनकी क्या पॉलिटिक्स है थोड़ा समझाइए अंदर से। आप तो इतने साल से उनके साथ काम कर चुके हैं। अंजना जी, मैं तो दसों सीट पर वो कैंडिडेट खड़ा कर रही हैं, क्या सोच के? मैं तो एक ही बात, पहले उपचुनाव नहीं लड़ती थी। देखिए, मैं तो एक ही बात जान रहा हूं कि बसपा में था, पूरी आस्था थी, ढंग से बात रखता था। आज लोकदल में हूं और लोकदल में चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी, चौधरी जैन जी, जो समाजवादी की शुरुआत उनका आशीर्वाद लेके हुई है, तो जहां पे चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा रहेगी वहां 100% मजबूती होगी, क्योंकि किसानों के वो साथ हैं, रहेंगे। तो ये अंदर से हमारे मायावती जी पर बोलने से बच रहे हैं। नहीं, अंजना जी, अंदर से, अंजना जी अंदर से हमारे साथ है, शारीरिक रूप से उधर है, बस इतनी सी बात है। वो सारे तो वोट तो शरीर ही देगा भाई, अंदर से आप ही रख लो। अंदर से हमारे साथ है तो आप अपने साथ अंदर से। मायावती जी भी 10 सीट पर लड़ रही है, आप लोगों के साथ गठबंधन हुआ नहीं है, तो आप ही लोगों को खामियाजा होगा, एंटी बीजेपी वोट्स बटेंगे। तो दिख गया अभी लोकसभा के चुनाव में कितना वोट मिला, ये उत्तर प्रदेश ने देख लिया, 44 सीट भारतीय जनता पार्टी हारी। अच्छा है, बच्चों को अगर असुरक्षा का भाव उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो क्या कह रही है, बेबी रानी मौर्य, बेटियों को लेके 5 बजे रोड तो छोड़ो, उत्तर प्रदेश के थाने भी मत जाना, वो सुरक्षित नहीं है, वो कह रही है। राम दुलार गोंड, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, 25 साल का कारावास हुआ है बलात्कार में। कुलदीप सेंगर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 8 महीने तक लड़की दर दर की ठोकरें खाती रही है, कोर्ट कह रहा है, मुख्यमंत्री को आवेदन देने के बाद 8 महीने तक उसकी FIR दर्ज तक नहीं हुई। हाथरस में रात के अंधियार में बेटी को पेट्रोल डालकर जला दिया, हिंदू संस्कृति संस्कारों के हिसाब से उसके अंतिम संस्कार का अवसर भी नहीं दिया, ये उत्तर प्रदेश बना दिया आदित्यनाथ जी ने। और किस मुंह से वो कहते हैं कानून का राज है, माफियाओं को मुक्ति, कुछ नहीं है, सिर्फ सत्ता की भूख मिटाना चाहते हैं, हर बात में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, इसके अलावा कोई समाधान इसके पास नहीं। इसका सबक उत्तर प्रदेश ने सिखा दिया लोकसभा के चुनाव में, 10 सीट हार रहे हैं। आप याद रखिए, अब आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे इस उपचुनाव के बाद, और उसके बाद ये सरकार। छोटे छोटे सवाल जल्दी से, जब योगी जी क्रिमिनल के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं तो फिर अखिलेश जी को क्या प्रॉब्लम होती है, जवाब बता रहा हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का बता रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी की हालत यह है, कर्नाटका में इनके विधायक रेप के मामले में, इनके इन रमन्ना के लिए जिनके पास 2200-2300 महिलाओं के अत्याचार करने वालों को उनके लिए वोट मांग रहे थे प्रज्वल रमन्ना के लिए, और कुलदीप सेंगर के बारे में बोल नहीं पाएंगे, राम दुलारे गौड़ के बारे में बोल नहीं पाएंगे, ये वो लोग हैं जो महिलाओं पर अत्याचार करने वालों में भी धर्म खोजते हैं, धर्म के नाम पे बात करते हैं। ये हम कहते हैं हिंदू, अगर महिला के साथ मिलनी चाहिए, ये कह रही है, जवाब नहीं मिला, कहानी चल गई कहीं और, वही रटा रटा है जो टेप है आपका। अरे वो पूछ रही है आपसे कि माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो आप लोग क्यों इतना, भारतीय जनता पार्टी जवाब दीजिए ना कि नहीं करते, माफिया बोल नौकरी चली जाएगी। एक मिनट रुकिए, माफियाओं के खिलाफ एक्शन ले कर रही है, मैं जानना चाहता हूँ किस माफिया के खिलाफ एक्शन लिया आज तक, मैंने तो नाम लिया, क्या इन्होंने एक्शन लिया लखीमपुर खीरी में, एक मंत्री के बेटे ने 3 लोगों को रोन दिया, मौत होगी उनकी, एक्शन लिया, बोलिए इनसे, कुलदीप सेंगर लगातार ये बताते रहे, हाई कोर्ट के मामले आज जब वो इंटरफेयर किया तब जाके ये झुके जाके, क्या इन्होंने पहलवान महिलाओं पे अत्याचार करने का आरोप लगा, आपने लिया एक्शन, नहीं लिया, लिया नहीं लिया, क्या लिया, क्या लिया बता, नहीं आपने बताया उधर क्या लिया, इधर हेलो उधर, थैंक यू गायत्री प्रसाद, यही तो दिक्कत है, वो हमारी तरफ से कुलदीप सेंगर जो मामला है उसमें वो जेल में, नहीं उसके अलावा लखीमपुर जो मामला नहीं है, जो मामला है जेल में, क्या मामला है, वो जेल से क्या मामला, वो जेल में परिवार खत्म हो गया, वो क्या मामला है, गजब आदमी है भैया, अरे पूछो बोल, नहीं मामला है, गजब है मामला जी, कुलदीप सेंगर के विषय में जो भी बलात्कार का मामला है वो जेल में है, सुनिए मामला है, इसके अलावा लखीमपुर खीरी में जो हुआ वो उस कांड में जेल में है, लेकिन प्लीज आप इनको बीच में मत बोलिए, लेकिन 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 मत बोलिए, लेकिन कांग्रेस के नेता जम्मू कश्मीर के लाल सिंह जो बलात्कारियों के समर्थन में रैली करते हैं वो चुनाव लड़ रहा है और राहुल गांधी के बराबर में खड़ा रहता है, सवाल पूछे इनसे, सवाल पूछे इनसे, अब इसके चुनाव लड़ रहे बलात्कारी, बलात्कारी चुनाव लड़ रहे हैं, अब बोलेंगे नहीं, अब बोल इंजीनियर राशि, अभी जमाने से अभी तो, अभी तो इतना लंबा लंबा बयान दे रहे थे, सवाल पूछेगा तो जवाब पूछ लिया तो चुप हो गए, महिलाएं कैसे सेफ रहेंगी जब बलात्कारी को चुनाव लड़ाएगी कांग्रेस, तो बताइए। इसके अलावा अगर और मैं आगे बात करूं किसी भी विषय में, देख लीजिए बंगाल में जो हुआ, इतनी देर से ये बलात्कार पर बात कर रहे हैं, मैं सेलेक्टिवली नहीं जाना चाहता, अच्छा। लेकिन बंगाल में जो हुआ एक भी शब्द निकला क्या अनुराग भदौरिया बोला, बोला मैंने एक बार नहीं बोला, अभी तक एक बार नहीं बोला,
शो खत्म होने जा रहा है, क्या बोलिए, बोलिए सजा मिलनी चाहिए, महाराष्ट्र का मान ही निकलेगा अभी, बिल्कुल हर जगह मिलनी चाहिए, महाराष्ट्र का मान ही निकलेगा। मेरा प्रश्न विपक्ष से है, जब भी कुछ होता है आप लोग लेके आ जाते हैं कि योगी सरकार में ये हो रहा है, बेटियां सुरक्षित नहीं है और हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। पहले आप ये बताइए, आपके टाइम पे कितना रोजगार आप लोग देते थे, इतने चीटिंग्स हुआ करते थे और कुछ भी, आप लोग बंगाल पे क्यों नहीं बोलते? आप सर, आप बोलते थे हम ट्वीट लेकर आ रहे हैं, हमने इस पे बोला, इस पे आपने ट्वीट ट्वीट किया दिखाया, लेकर आइए, आप लेकर आए, बंगाल पूछ रही है वो बिल्कुल, शो खत्म हो गया, एक बार आपके मुंह से कोलकाता नहीं निकला, आप बोला लड़ना बंद कीजिए, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जल्दी जल्दी अंजना जी से आप लोग बस कीजिए, बस कीजिए, मैं बता रही हूँ, सड़क पे गुजरिएगा ना, लोग वही है जो टीवी पे लड़ते हैं, बीच में प्लीज अंजना जी चुप हो जाइए, मजाक बना दिया आप लोगों ने, पूरी मर्यादा खत्म कर दी है पब्लिक लाइफ की, तो उनको बोलिए, आपको भी बोलूं, मैं आपकी तरफ देख के बोलूं, मैं आपकी तरफ देख के अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया कर रहे हैं, बताइए मैं क्या करूं, आवाज देखिए, आप तो सही में सर बहस करने लायक नहीं, आप इतना चिल्लाते हैं, आपको समझ नहीं आता, सड़क पे लोग कहते हैं, अरे जो अनुराग भदौरिया को आप बुलाती है, क्यों बुलाती है, मुझसे लोग पूछते हैं, क्योंकि आवाज तेज है, इट्स अ जेन्युइन कंसर्न, अरे प्लीज पब्लिक डिस्कोर्स को ऐसा मत बनाइए, सड़क पे लोग बोले कि आप लोग चीखने वाले लोग हैं, बारी बारी से बोलिए, मैं किसको कब मौका देता हूं, छोटे छोटे सवाल सर, आप सबसे एक ही क्वेश्चन है कि आप सिंगर जी बोलते हैं, आप इनको ब्लेम करते हैं, सर आप लोग के पास कोई भी पॉलिसी है विमेन सेफ्टी के लिए? कुछ नहीं है इनके पास, सब एक पार्टी हाथ नहीं खड़ा कर सकती जिसने टिकट ना दिया हो बलात्कार के आरोपी को, एक पार्टी हाथ नहीं खड़ा कर सकती, हमने नहीं दिया, हमने दिया, अरे गायत्री प्रजापति कौन है भाई साहब, लाल सिंह कौन है जिसने जिसने समर्थन किया, अंजना जी हमने नहीं दिया, आरोप लगने के बाद अखिलेश यादव ने उनके लिए रैली की थी, उस रैली को मैंने कवर किया था, इसे झूठ मत बोलिएगा, ये बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, शर्माते भी नहीं है सर, सर आपसे मेरा सवाल है, आपने अभी यहाँ पे कहा कि हम 84 लोगों की जो लिस्ट है उस पर एक्शन लेंगे, जो माफिया है, सर मैं उसी 84 माफियाओं में से मैं कह रहा हूँ सर, ब्रिजभूषण सिंह है और धनंजय सिंह है और ब्रिजेश सिंह है, क्या आप उन पे भी एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे? फिर झूठ पर ताले बजा रहे हैं, लिया बताइए, फिर झूठ पर ताले, अरे प्रचार कर रहा था अंजना जी, अरे मेरे को भी अनुराग भदौरिया वाली लिस्ट में आप डाल दीजिए, इनको बोलिए रुक जाए, बेचुदा बेटा ब्रजेश सिंह प्रधानमंत्री जी के लिए प्रचार कर रहे थे वाराणसी में, मैं वाराणसी चुनाव में था, ब्रजेश सिंह प्रचार करने आए थे, बिल्किस बानो के बलात्कार ये जरा जवाब ले, जाला पहना इन्होंने माला, उनसे प्रश्न चाहिए, उनसे प्रश्न, उसकी बिटिया को पटक के मार डाला, अमित शाह साहब ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि ये 11 बलात्कारी सजा के पहले छोड़े जाएंगे, बिटिया के बलात्कारियों को छोड़ते हैं, बोलेंगे लगातार कि मैं जो बोल सकता हूं, आवाज अच्छी है मेरी, थैंक यू। धनंजय सिंह को इसी प्रदेश में जेल हो गई थी बाकायदा, हाई कोर्ट से निकल कर आए वो, एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको जेल करार किया और उन पर एक्शन हुआ, और अगर इसके अलावा भी बात करें तो ब्रजभूषण सरन के मामले में भी कमिटियां बनी, चीजें काम हुई, लेकिन आप इनसे पूछिए ना बाकियों पर क्या करते हैं ये, और हम जाति धर्म नहीं और चौरासी की बात नहीं, 84 में भी हर जाति है, हमने जातियां नहीं देखी, हमने जातियां नहीं देखी, लेकिन वो जातियां जरूर देखी, गाना बढ़िया, ठीक है, एक आखिरी सवाल जल्दी से, मैं राजस्थान से हूं, बैंड बजाने आ रहा हूं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं खुद ऐसा ही परीक्षा का प्रतिभागी था, वहां मेरे सामने सर उस पेपर की सील खुली हुई आई थी और हमने जब वहां आवाज उठाई तो हमें मार के बैठा दिया गया, और हमें इतने टाइम से हम उस पेपर की तैयारी कर रहे थे सब इंस्पेक्टर की, और 829 सीटें बिकी हुई थी सर पहले से, तो सर मेरा आप इस पे सवाल है, इस पेपर लीक पे आप बताइए, कांग्रेस सरकार के समय ऐसा क्यों हुआ सर? गहलोत सरकार थी उस वक्त, जवाब दीजिए, बिल्कुल ये गंभीर मसला है, इस पर हम चाहते हैं पारदर्शी, इस पर हम खेद जताते हैं, बहुत गंभीर मसला है, हम इस पर खेद जताते हैं, चलिए इसी के साथ